अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन मुहांमुही संबोधन को नहीं पूर्वर थे अध्यक्ष विरोध में आपत्ति उठाई जया बच्चन आउ एथर से ही सामान संबोधन सहित तो विरोधी दल नेता कहवापी सुजोग न दिजा माइक बंद करदे प्रसंग कर अध्यक्ष जगदीप धनखड़ कहवा शैली और बॉडी लैंग्वेज को नहीं संगीन अभियोग उठाई जया बच्चन आउ निज स्क्रिप्ट परिस्थिति हैंडल करने चेष्टा कर जगदीप धनखड़ किंतु विरोधी कक्ष त्याग एवं बाहर गणमाध्यम आगे प्रतिक्रिया घटना को आहुरी संगीन कर राज्यसभा हाइड्रामा मुहांमुही हेले अध्यक्ष जगदीप धनखड़ एवं समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन केमिति थिला से माहौल काहीकि एभली परिस्थिति सृष्टि हेला प्रथमे टिके ताकू देखि नियंतु ऑनरेबल मेंबर्स जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट प्लीज मैम सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं मैं कलाकार हूं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं एक्सप्रेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट वी आर कलीग सर यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल जया जी टेक योर सीट जया जी टेक योर सीट टेक योर सीट टेक योर सीट किछि जानी परिले जया बच्चन को पूर्वरु एमिती थरे संबोधन करिथिले अध्यक्ष जगदीप धनखड़ सेतेबेले मध्य तीव्र असंतोष जाहिर करिथिले एसपी सांसद जया बच्चन आउ एबे राज्यसभा अध्यक्षक कहिबा शैली एवं बॉडी लैंग्वेज को नै संगीन अभियोग लगाइछन्ती जया बच्चन को एभली मंतव्य परे जगदीप धनखड़ को प्रतिक्रिया केमिति थिला टिके देखि नियंतु ऑनरेबल मेंबर्स बैठिए 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 आई नो हाउ टू डील विद इट बैठिए जया जी यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे आई डोंट वांट टू रिपीट I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, no, no shit given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. এইটি উঠিছি ইমপ্রেশন এবং রেপুটেশন র কথা নো নো নেভার ক্যারি অ্যান ইমপ্রেশন দ্যাট ওনলি ইউ বিল্ড রেপুটেশনস উই কাম হিয়ার বিল্ড রেপুটেশনস উই লিভ আপ টু রেপুটেশনস নাথিং ডুইং নো কোশ্চেন নাম্বার 196 সুস্মিতা দেব স্যার শি ইজ আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হাউ ক্যান ইউ কল হার আ সেলিব্রিটি senior member of parliament has a license nothing is going on record a senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair to question the tone and tenor yes I have to be in reaction mode to take care of the situation I have highest respect but to make it a habit my tone my language my temper I don't go by script of others impression ebong reputation ru kotha nijo script ku chali jaithiba bele adhyaksha jagdeep dhankar ko byabahar pratibadare virodhi kakshyatyag karichanti au parliament bahar ku asi mot rakhichanti jaya bachchan jo kaha jata hai chair se theek hai wo chair pe baithe hain allowed hai अगर वो चेयर से बाहर हैं, तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो हैं नहीं
आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर. वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, वी आर ऑल एंड सम ऑफ अस आर सीनियर सिटीजन्स. आई वॉज अपसेट विद द टोन एंड स्पेशली व्हेन एलओपी स्टूड अप टू स्पीक ही हैड स्विच्ड ऑफ द माइक. हाउ कैन यू डू दिस? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, buddhihin. ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, ही सेड यू मे बी सेलिब्रिटी, आई डोंट केयर. आई एम नॉट आस्किंग हिम टू केयर. आई एम सेइंग आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज माई फिफ्थ टर्म, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. नोबडी हैज एवर स्पोकन द वे इज बीइंग डन नाउडेज इन पार्लियामेंट. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड सो डिसरिस्पेक्टफुल टू वुमेन. अध्यक्षक द्वारा तांको करा जायथिबा संबोधन को केवल विरोध करिनथिले जया बच्चन, विरोधी दल नेतांको कहिबाकु राज्यसभा अध्यक्ष सुजोग नदेबा एवं तांको माइक बंद करिदेबा नै जया बच्चन प्रतिवाद करथिले. तेबे एबे हेबो कोन? आई नीड एन अपोलॉजी बस फ्रॉम द चेयर. आई नीड एन अपोलॉजी फॉर सेइंग आई डोंट केयर. ही हैज टू केयर. ही इज ऑन द चेयर, ही हैज टू केयर. अन्य विरोधी दल नेता भी जया बच्चन को प्रति होइथिबा व्यवहार को नापसंद करिछन्ति. शी कम्स विद वास्ट मोर एक्सपीरियंस देन द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ विद ऑल योर अपोलॉजीज, बट दैट इज द ट्रुथ. ही कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट, ही कैन नॉट. शी हैज नॉट कम हियर, कम हियर एज सेलिब्रिटी. शी हैज कम हियर एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर फोर टाइम्स. राज्यसभा अध्यक्षक व्यवहार प्रतिवाद रे विरोधी संगीन अभियोग उठाई कक्ष त्याग करथिबा बेले विरोधी को बीजेपी करिछि टारगेट. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया. सतर मास परे मिलिला मनीष सिसोदिया को जमीन. दिल्ली अबकारी दुर्नीति को नहीं उभय ईडी एवं सीबीआई मामला रे मनीष सिसोदिया को जमीन दिया जाइछि. तदंत चली खूब शीघ्र अभियोग फर्द दाखल हो शुणा आरंभ हो शुणी खूब शीघ्र शेष हो. तदंतकारी संस्था एभली आड़ को ग्रहण करना सुप्रीमकोर्ट कौन हालत में संविधान धारा 21 उल्लंघन हो पार ना कही मनीष सिसोदिया को जमीन देखते सुप्रीमकोर्ट आउ सफा सफा कही राय पर ट्रिपल टेस्ट हो पार ना. मनीष सिसोदिया को जमीन. आप नेता तथा दिल्लीर पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमीन देखते सुप्रीमकोर्ट. सतर मस पर मिली जमीन. दिल्ली अबकारी दुर्नीति उभय ईडी और सीबीआई तांकु गिरफ करते सतर मस पर उभय मामलें तांकु जमीन देखते सुप्रीमकोर्टर विचारपति जस्टिस बी आर गभाई और जस्टिस के भी विश्वनाथन दुईजिया खंडपीठ. बेलबंड बाबद को मनीष सिसोदिया को 2 लाख टंका देवा कहसत से पासपोर्ट थाना रे दाखल करेंगे. जमिन समय रे नियमित व्यवधान ने थाना रे से रिपोर्ट करेंगे. ट्रायल कोर्ट एवं हाईकोर्ट को पूर्व राय को खारज करदे मनीष सिसोदिया को जमीन देखते सुप्रीमकोर्ट. बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए और खासतौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है. सिसोदिया क्षेत्र में जहां होइछि तहां संविधान धारा 21 रो खोला उल्लंघन. मामलार सुनानी रे अहेतुक विलंब धारा 21 रो उल्लंघन करथिबा कहिछन्ति कोर्ट. त्वरित सुनानी अभियुक्तर अधिकार होइतिबा बेले सिसोदिया क्षेत्र में तहां होइनि. कोनोसी कोर्ट, सरकार किंबा एजेंसी यदि त्वरित सुनानी करि पारु नाहंती तेबे केवल अपराध को गुरुतर बोली कथारे कही व्यक्तिर जमीन को विरोध करा जाई पारिबो नाही. अपराध जेते गुरुतर हेउ ना काहे कि धारा 21 रो केबे भी उल्लंघन करा जाई पारिबो नाही. जेउठी निकट भविष्य रे सुनानी शेष हेबार संभावना नाही सेठरे बिना तथ्य प्रमाण रे केवल कथारे जणे व्यक्ति को अनिर्दिष्ट काल जाए जेल रे रखी हेबो नाही बोली कहिछंती सुप्रीम कोर्ट.
ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सरेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो बेल नॉट जेल। अभी दो साल के बाद ये कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहिबा कथा समाज तथा सिसोदिया निविड़ संपर्क रही, से पासपोर्ट सरेंडर करुछन्ते। तदंतकारी संस्था मध्य पाखरु अनेक किछि डॉक्यूमेंट जबत करि थाई पारे, तेणु एभली स्थिति रे तांको जामिन दियागले किछि भी प्रभावित हेबो नाही बोली कहिछन्ती सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस गाभाई एवं जस्टिस विश्वनाथनकर खंडपीठ सफा सफा कहिछन्ती जे शुणाणी रे विलंब सिसोदियांकर व्यक्तिगत स्वाधीनता को उल्लंघन करिछि। निकट भविष्य रे दिल्ली अबकारी मामलार शुणाणी शेष हेला भली लागुछि। बेल इज नॉट जेल, इट इज द रूल। सिसोदियांक मामलें हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट बारंबार जमीन खारज कर सेफ प्लेइंग चलते सुप्रीम कोर्ट। सबू डॉक्यूमेंट को अनुधान करार अधिकार सिसोदियां रही सर्वोच्च कोर्ट। हैज फॉल्टेड द ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट फाइंडिंग दैट द अक्यूज्ड पर्सन्स इन दिस मैटर आर डिलेइंग द ट्रायल एंड सेड दैट द राइट टू इंस्पेक्ट अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स एंड द राइट गारंटीड अंडर 207 is intrinsic to the fundamental rights of an accused and intrinsic to the values of fair trial and it cannot be faulted, the accused person and the defense counsels cannot be faulted for seeking their remedy as per law and seeking an inspection of underlying documents and illegible and deficient documents in terms of the right guaranteed under section 207. तदंतकारी संस्था को सुप्रीम कोर्ट सफा सफा सुनाई देइछंती जे मनीष सिसोदिया को मिलिथिबा जमीन नो ट्रिपल टेस्ट होई परिबो नाही, अर्थात जमीन को विरोध करी तदंतकारी संस्था एबे आउ ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो नाही, कारण सुनाणी विलंब ग्राउंड रे तांको जमीन प्रदान करा जायछि। एकाधिक एप्लीकेशन दाखल करिवारे सिसोदिया विलंब करथुबारु सुनाणी विलंब हेउथुबा ईडी कहिथिला, जहाकु सुप्रीम कोर्ट खारज करि देइछंती। केवल उड़ा कथारे गोटे कॉपी प्रस्तुत करने को ईडी 70-80 दिन नेउथुबा कहिछंती सर्वोच्च कोर्ट। सीबीआई मामलें सिसोदिया 13 एवं ईडी मामलें 14 दरखास्त तलकोर्ट में दाखल करिछंती, जहां ग्रहण होइछि। मात्र जमीन आवेदन बेले तलकोर्ट सठिक न्याय करिनथिबा कहिछंती सुप्रीम कोर्ट। मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 17 महीने का इनकार्सरेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको 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 स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। जामीन पाई 7 मास पूर्वे सुप्रीम कोर्ट जाइथिले मनीष सिसोदिया, कोर्ट किंतु अभियोग फर्द दाखल एवं सुनानी आरंभ को अपेक्षा करी जामीन दे नथिले। एबे किंतु समय गड़ाइबा एक प्रकार स्पष्ट होइथिबा बेले मनीष सिसोदिया को जामीन देइछंती सर्वोच्च कोर्ट। 2023 फेब्रुवारी 26 तारीख रे ईडी तांको गिरफ करिथिला, परे से सीबीआई द्वारा गिरफ होइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एठी को छोटो ब्रेक पई रहिबा आउ ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप रो प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल, फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144। बांग्लादेश रे अंतरिम सरकार उपदेष्टा हेले मोहम्मद युनुस, 16 जणिया टीम रे नहंती आवामी लीग रो जणे भी सदस्य। 3 मास मध्य रे हेबो साधारण निर्वाचन, तारीख घोषणा परे बांग्लादेश फेरिबे कि शेख हसीना। कमिंग अप रो प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल, फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144। पहले
2 नदीबंध एवं घाई स्थान उपरे रखा जाइछि नजर। छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा जो फुलिबार लगी महानदी जलस्तर। आज मुंडड़ी में पहुंचब 6 लाख क्यूसेक जल। वर्तमान महानदी में बन्या स्थिति नथिले भी सतर्क रहिबाकु कहा जाइछि। उपर मुंडरे पानी बढ़िले हीराकुद आहुरी 4